जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। किस विषय में कितने पद और क्वालिफाइड की संख्या सातवें चरण में, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक झलक देख लेते हैं किस विषय में कितने पद और क्वालिफाइड की संख्या, उसके बाद विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर वन में, पेपर वन में बात कर रहे हैं 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार कितने पद, और पेपर टू में 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार बात किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने पद, तो पेपर वन में आप लोग देख लिए होंगे विषय, अपने विषय के अनुसार आप लोग देख सकते हैं इतने पद आने की संभावना है। अब आगे देख लेते हैं पेपर टू में, और पेपर टू में बिल्कुल ही इससे अधिक पद आने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार पद देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं 6421 नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार, और इसके अलावा भी 2939 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो पहले से हैं, तो उसमें भी जिसके अनुसार से विज्ञापन में भी पद दिखाया गया था, तो पदों की संख्या विज्ञापन में जो दी गई है उससे कम हो सकती है। तो इस पर भी आगे भी बातें करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी पद आ सकते हैं जो 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार काफ़ी पद आ सकते हैं। तो अब विस्तार से आप लोग देख रहे होंगे ये जानकारी, बिहार गजट अगस्त 2019 देखने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में किस विषय में कितने शिक्षक, तो इसके लिए आप लोग ये देख सकते हैं। भाषा सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, तो भाषा में यह बातें की गई है बिहार गजट में कि दो शिक्षक टीजीटी के और दो शिक्षक पीजीटी के, तो ये जानकारी है। लेकिन टीजीटी के रूप में ही परीक्षा हुई है बिहार एसटीडी 2019 में, तो इस अनुसार से भी पद आ सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं। उसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे गणित में एक टीजीटी के और एक पीजीटी के शिक्षक, तो आगे भी बात करने वाले हैं। लेकिन गणित में बात करें तो 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, कारण ये है कि टीजीटी शिक्षक भी हैं गणित में भी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं साइंस में भी टीजीटी शिक्षक हैं, तो इसमें भी 50% पद जो पीजीटी के हैं ये प्रमोशन से भरे जाएंगे। गणित में भी पीजीटी के जो 50% पद हैं प्रमोशन से भरे जाएंगे, तो इसीलिए आधे करके संख्या दिखाए हैं। आप लोग जो एक झलक देखे होंगे गणित में, फिजिक्स में जो पेपर टू के सब्जेक्ट हैं, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दो सब्जेक्ट, बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर आधे पद आएंगे, अर्थात 6421 के आधे कर सकते हैं आप लोग। तो 3200 से अधिक पद आने की संभावना है इन सभी विषय में, जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर, और इसके अलावा गणित में। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में अलग बात है, आप लोग देख सकते हैं सीएस टीजीटी के शिक्षक नहीं हैं, तो यही जानकारी है। अगर माध्यमिक विद्यालय रहे तो सीएस टीजीटी के एक शिक्षक की बातें बिहार गजट में की गई है, लेकिन अब तो उच्च माध्यमिक विद्यालय की ही बातें होती है। 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय ही हैं, जिसमें से 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, तो पीजीटी की ही बातें होंगी, तो यही जानकारी है। तो आप लोग जान सकते हैं ऐसे में 9360 पद बनते हैं, तो 6421 नव स्थापित के अनुसार बात करें तो 6421 पीजीटी के पद, तो यही जानकारी है 6421 होंगे। और टीजीटी के लिए बात करें तो पहले भी 2011 में भी कोई परीक्षा भी नहीं हुआ, पेपर वन भी आयोजित नहीं हुए हैं, तो यही जानकारी है, कभी भी नहीं हुए हैं, तो यही जानकारी है। सीएस केवल 1047 पीजीटी सीएस एसटीईटी 2011 में क्वालिफाइड हुए थे, तो 1000 में से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में भी बाहर होते हैं, बिना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का यह संख्या है, और इसके अलावा योग्य भी नहीं होते हैं क्वालिफिकेशन में और अन्य सभी में, तो यही जानकारी है। तो आप लोग जान गए होंगे, तो सीएस टीजीटी या फिर माध्यमिक विद्यालय के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, तो जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय ही हैं और 6421 इसमें से नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, तो यही जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं क्लास 12 की बात करें तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं भाषा में 200 अनिवार्य विषय के रूप में, और ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शनल में, ऑप्शनल में आप लोग देख रहे होंगे ऐच्छिक विषय ऑप्शनल में और एडिशनल सब्जेक्ट में, तो ऑप्शनल के रूप में 300 मार्क्स के होते हैं, अंक के होते हैं, जिसमें से पी सी एम या फिर बी
या फिर CSIT कुछ भी लिया जा सकता है, या फिर आप लोग देख रहे होंगे एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी CSIT लिया जा सकता है, चाहे कोई भी, आप लोग समझ गए होंगे, साइंस आर्ट कॉमर्स। तो यही जानकारी है, अब आगे देख लेते हैं। 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो आप लोग घटाकर देख सकते हैं 2939 उच्च माध्यमिक विद्यालय, और इसको यदि डबल के अनुसार ही जो विज्ञापित पद आए हुए थे तो 800 पहले से होंगे, और इसके अलावा काफ़ी पद देखने को मिले विज्ञापन में, लेकिन अब एक एक पद ही सभी विषय में इस अनुसार से बातें किए हैं इसमें, तो आप लोग जान सकते हैं 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है, तो 8536 अर्थात 8000 से अधिक पद सभी विषय में आ सकते हैं, और कुछ विषय जैसे कि सोशल साइंस विषय में 2 शिक्षक रखे जा सकते हैं, इसमें क्वालिफाइड की संख्या भी काफ़ी अधिक है, तो इसको देखते हुए कुछ जितने भी स्वीकृत पद हैं इतने पद पर बहाली हो सकती है, तो ऐसे में 10000 से अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है, और रिटायर्ड भी हुए हैं तो 11-12 हज़ार पद आ सकते हैं। तो यही जानकारी है, आप लोग ये सभी जानकारी देख लिए होंगे, तो सभी विषय में देख सकते हैं, इसमें बात किए हैं पेपर 1 में 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार, और पेपर 2 में बात कर रहे हैं 6421 नव स्थापित के अनुसार, जिसमें शिक्षक हैं ही नहीं अर्थात प्लस 2 के शिक्षक हैं ही नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं गणित में क्वालिफाइड की संख्या देख रहे होंगे, और जो पद की संख्या आप लोग देख सकते हैं, तो 6421 का आधा क्यों किए हैं, तो आधा इसलिए किए हैं कि 50% पद जो TGT के शिक्षक हैं, गणित के TGT के शिक्षक उनसे भरे जाएंगे 50% पद, तो 4 वर्ष का अनुभव की बातें जो नियमावली 2020 में भी जिक्र किया गया है, तो 4 वर्ष का अनुभव बहुत सारे शिक्षक को प्राप्त हो भी गए होंगे, तो 50% पद प्रमोशन अर्थात पूर्णति से भरे जाएंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स में भी, तो फिजिक्स में भी 814 ही क्वालिफाइड हैं, और पोस्ट की संख्या भी काफ़ी अधिक है, और इतने पद हैं सीधी भर्ती से, और आधे पद इतने ही पद प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे। तो ये सभी जानकारी हैं। बायो में भी आप लोग देख सकते हैं, बायो में 2 पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी, तो आप लोग देख सकते हैं 816 और 2074, तो इतने क्वालिफाइड हुए हैं, और पद की संख्या आप लोग देख लिए होंगे, टेंटेटिव है, तो आप लोग देख सकते हैं 3211 आधे कर सकते हैं, 6411 है तो 6411 का आधा कर लेंगे आप लोग। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में बातें कर चुके हैं, TGT में शिक्षक हैं ही नहीं, और 6421 पद हैं, विद्यालय की संख्या भी इतनी है, और 6421 पद भी हैं, तो यही जानकारी है, और पेपर 1 का आयोजित भी नहीं होता है, STD 2019 में भी आयोजित नहीं हुआ है, इससे पहले भी नहीं हुआ, तो यही जानकारी है, तो इसीलिए 6421 आप लोग देख लिए होंगे, और पहले भी बातें किए हैं इस वीडियो में ही, तो इतने पद आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस में 2939 जो इसके अलावा 6421 के अलावा 2939 विद्यालय हैं, तो इसमें भी पद आएंगे, तो कुल मिलाकर 8500 से भी अधिक पद आ सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। तो इस अनुसार से भी बात करें, जैसे कि सिलेबस आप लोग देख लिए होंगे, सिलेबस के अनुरूप शिक्षक होने चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन होना चाहिए अर्थात सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बिहार गजट अगस्त 2019 के अनुसार भी बातें किए हैं इस वीडियो में, तो कंप्यूटर शिक्षक के अलावा सहायक की भी बातें इसमें की गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी CS का महत्व बढ़ा है, रोजगार परक शिक्षा, प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा, तो ये कौशल विकास स्किल की शिक्षा, तो ये सभी जानकारी दी गई है। तो इसके अलावा CS टीचर में भी, तो ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं, बजट में भी पिछले बजट में भी प्रावधान किया गया था, तो ये सभी जानकारी हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन में कौन कौन से योग्य नहीं है कंप्यूटर साइंस विषय में, तो केवल BCA 3 वर्ष, PG डिग्री नहीं हो तो ये सभी योग्य नहीं है, केवल BSc CSIT 3 वर्ष का और PG डिग्री नहीं हो, CSIT को छोड़कर किसी अन्य ब्रांच से BE/BTech लेकिन PG डिप्लोमा नहीं हो तो ये योग्य नहीं है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, केवल आप लोग जान सकते हैं केवल ग्रेजुएशन पास हो और लेवल जो बातें की गई है सी लेवल नहीं हो, केवल PG डिग्री हो लेकिन ए या फिर बी लेवल नहीं हो, तो ये सभी जानकारी है आप लोग देख सकते हैं, तो ये सभी नहीं हो तो ये सभी योग्य नहीं है अर्थात पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी योग्य नहीं है, तो ये सभी जानकारी दी गई है आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, योग्य नहीं है। अब मेधा अंक कैसे बनेंगे, तो मेधा अंक कैसे बनेंगे कंप्यूटर साइंस विषय में, तो आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और अन्य विषय की बात करें तो मेधा अंक कैसे बनेंगे, तो जो आपका स्नातक है तो उसमें जो परसेंटेज है
एवरेज कर लेंगे आप लोग तो जितना परसेंटेज बनता है सभी विषय को जोड़कर, जितने भी विषय पढ़े हैं सभी को जोड़ने के बाद टोटल अंक से आप लोग जितने कुल प्राप्त अंक हैं, कुल प्राप्त अंक डिवाइड बाय कुल अंक से आप लोग भाग देंगे और 100 से गुना कर सकते हैं। और इस अनुसार से आप लोग ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकाल सकते हैं और इसके अलावा बीएड का निकाल सकते हैं, ग्रेजुएशन और बीएड का एवरेज। तो यही है अर्थात जो क्वालिफिकेशन जो दिया गया था, तो क्वालिफिकेशन जो दिया गया था उसी का एवरेज है। तो वही बात यहाँ भी कंप्यूटर साइंस विषय के लिए अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है तो उसी का जो मेधा अंक है अर्थात उसी का एवरेज है, उसी पर बन सकता है। आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं सभी विषय को देखते हुए। जैसे कि सोशल साइंस विषय में बात करें तो ग्रेजुएशन और बीएड में परसेंटेज है, ग्रेजुएशन का परसेंटेज और बीएड का परसेंटेज और इसका एवरेज। तो यही जानकारी है, इसी में भी यही बातें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एवरेज अर्थात ए लेवल और पीजी डिग्री का एवरेज, बी लेवल और पीजी डिग्री का एवरेज, सी लेवल और ग्रेजुएशन का एवरेज, बी बीटेक में जो अंक प्राप्त हुए हैं परसेंटेज, इसके अलावा बी बीटेक सीएसआईटी में जो प्राप्त हुए हैं परसेंटेज यही रहेगा। और बी बीटेक किसी ब्रांच से हो तो बी बीटेक सीएसआईटी को छोड़कर किसी ब्रांच से हो तो पीजी डिप्लोमा, ये दोनों को मिलाकर एवरेज। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये सभी का एवरेज, एमसीए में जो प्राप्त अंक हैं इसका परसेंटेज, और यही मेधा अंक होंगे एमसीए का जो है परसेंटेज मेधा अंक होंगे, इसमें एवरेज हो जाएगा बीएससी सीएसआईटी या फिर बीसीए और पीजी डिग्री का एवरेज। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पीजी डिप्लोमा और पीजी डिग्री का एवरेज कंप्यूटर में होना चाहिए भी। तो ये सभी जानकारी दिया गया है, अब आगे देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यह जानकारी जिससे बात करें तो भीड़ कम हो जाएंगे अर्थात नौकरी पक्की की अधिक से अधिक संभावना होगी और फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे केंद्रीकृत ऑनलाइन एप्लीकेशन का एसटीटी 2019 एप्लीकेशन सीधा लिंक यदि होता है तो इससे भी लगाम लगाया जा सकता है, जिससे सीधा सभी डिटेल्स आ जाते हैं सातवें चरण का ऑनलाइन अप्लाई में, जैसा कि अन्य बहाली में भी देखा जाता है, जैसे प्री मेंस में बिहार के अन्य बहाली में भी, अन्य वैकेंसी में भी इस टाइप की बातें होती हैं, सभी डिटेल्स फिल हो जाते हैं, क्वालिफिकेशन का हो या फिर कैटेगरी का हो या फिर जेंडर का हो या फिर फ़ोटो, सभी कुछ फ़ोटो में भी अपडेट किया जा सकता है। तो ये सभी जानकारी हैं, एज लिमिट तो आप लोग देख लिए होंगे सभी जानकारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसटीटी 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट भी लेने के संबंध में। तो ये सभी यदि ऐसा होता है तो इससे अधिक से अधिक जो क्वालिफाइड हैं वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है और कटअप में काफ़ी गिरावट हो सकती है और लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है वास्तविक क्वालिफाइड की। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस विषय में 1000 पद ही स्वीकृत क्यों हुआ था 2020 के समय में, जबकि सभी विषय में काफ़ी पद स्वीकृत हुए थे। तो यही जानकारी है कि पहले आप लोग जान सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई इसके बाद काफ़ी बढ़ा है, जबकि जो मंत्रिमंडल से स्वीकृत पद 33/16 की बात करें तो ये मई 2020 में ही स्वीकृत हो गए थे। तो इस अनुसार से भी विचार कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं अन्य जानकारी। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम।